हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपके संग शेयर करेंगे हाउ टू सॉल्व वर्बल एनालॉजी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों को पता ही है कि ओडोमीटर माइलेज नापता है, ऐसी कंपास नापता है डायरेक्शन। कंपास का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन फोर। आगे बढ़ते हैं, मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू, ये ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए मैराथन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैराथन एक काफ़ी लंबी रेस होती है, वैसे ही हाइबरनेशन क्या होती है, एक बहुत लंबी स्लीप होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबी स्लीप होती है हाइबरनेशन। हालांकि बियर और विंटर भी हाइबरनेशन से वास्ता रखते हैं, चूंकि हमारा एनालॉजी जो है वो मैराथन और रेस से है, इसलिए हाइबरनेशन स्लीप के संग आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू, जैसा विंडो पेन से है वैसे ही बुक है पेज से। इसमें पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, नॉवल हो नहीं सकता, क्योंकि नॉवल एक तरह की बुक है और ग्लास का कोई रिलेशन नहीं है बुक से, और कवर फ्रंट पेज होता है बुक का, कवर सिर्फ एक पार्ट है बुक का, और बुक कवर से नहीं बनती है, किससे बनती है, पेजेस से। हमारी एनालॉजी कंप्लीट करता है चौथा ऑप्शन जो कि है पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, कप इज़ टू कॉफ़ी एज बाउल इज़ टू। अब जैसा कि आपको मालूम है, कप में जाती है कॉफ़ी, बाउल में जाएगा क्या, सूप जाएगा दोस्तों। ऑप्शन दो, ऑप्शन डिश और स्पून यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली यूटेंसिल्स हैं, और फूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि फूड बहुत ही जेनरिक टर्म है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, यार्ड इज़ टू इंच एज क्वार्ट इज़ टू। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सारी मेजरिंग यूनिट्स हैं, तो इसमें लिक्विड नहीं होगा, मिल्क नहीं होगा, तो बात करेंगे गैलन और आउंस की। यार्ड जो होता है वो एक लार्जर मेजर है इंच से, कहा जाए तो एक यार्ड बराबर होता है 36 इंच, और एक क्वार्ट लार्जर मेजर है आउंस से, यानी कि ऑप्शन दो। एक क्वार्ट कंटेन करता है 32 आउंसेस। गैलन इसलिए नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि गैलन की यूनिट जो है वो क्वार्ट से काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि यार्ड के कंपैरिजन में इंच काफ़ी छोटा है, इसलिए क्वार्ट के कंपैरिजन में भी एक छोटी यूनिट देखी जाएगी जो कि आउंस है हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इलेटेड इज टू डिस्पोंडेंट एज एनलाइटेंड इज टू, ऑप्शंस ये हैं। अब देखिए इलेटेड का मतलब होता है एक्साइटेड, और डिस्पोंडेंट का मतलब होता है एकदम इसका अपोजिट, यानी कि हताश, निराश, डिसअपॉइंटेड। तो कहने का मतलब है इलेटेड इसका अपोजिट है, तो ऐसे ही एनलाइटेंड का मतलब होता है जिसको जानकारी हो, तो हमें इसका अपोजिट ढूंढना है इसमें। अब हमको पता है कि इसका अवेयर तो नहीं होगा, अवेयर तो इसका पर्यायवाची हो गया एक तरह से, टॉलरेंट भी नहीं होगा और मिसरेबल भी नहीं होगा, तो इसका जवाब होगा इग्नोरेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल एज पैसिमिस्ट इज टू, ऑप्शंस ये हैं। तो जैसा कि हमको पता है, ऑप्टिमिस्ट का आउटलुक है चीयरफुल, यानी कि हमको सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। तो पैसिमिस्ट ग्लूमी का मतलब होता है हताश, निराश, जो बिल्कुल ही सिमिलर मीनिंग रखता है पैसिमिस्ट से, जैसे कि ऑप्टिमिस्ट चीयरफुल से रखता है। मीन होना ज़रूरी नहीं है, पैटी होना भी ज़रूरी नहीं है, और हेल्पफुल तो हो ही नहीं सकता पैसिमिस्ट के केस में, तो पैसिमिस्ट का आउटलुक होता है ग्लूमी, यानी कि उदास। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेप्टाइल इज टू लिजर्ड इज फ्लावर इज टू, इसका ऑप्शन ये है। तो रेप्टाइल लिजर्ड और फ्लावर डेजी कोई भी बता सकता है, जैसा कि रेप्टाइल लिजर्ड है वैसे ही फ्लावर का रिलेशन है डेजी से। पेटल और स्टेम नहीं होंगे, क्योंकि पेटल और स्टेम पार्ट ऑफ फ्लावर हैं, ना कि टाइप ऑफ फ्लावर हैं। और एलिगेटर तो एक तरह का रेप्टाइल ही है, घड़ियाल जिसे हम बोलते हैं, तो एलिगेटर तो नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्ले इज टू एक्टर इज कंसर्ट इज टू, जैसा प्ले एक्टर के लिए है वैसे ही कंसर्ट किसके लिए होगा, म्यूजिशियन। यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे एक्टर एक पर्सन है वैसे म्यूजिशियन एक पर्सन है, जो कि हमारे इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। तो ये तो सिंपल था, या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक एक्टर परफॉर्म करता है प्ले में, वैसे ही एक म्यूजिशियन परफॉर्म करता है कॉन्सर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्ज इज टू पोरस एज रबर इज टू इलास्टिक,
सिंपल, मैसिव नहीं, जरूरी नहीं है, सॉलिड तो हो ही नहीं सकता, इनफ्लेक्सिबल भी नहीं होगा, रबड़ होगी तो फ्लेक्सिबल तो ज़रूर होगा, यानी कि इलास्टिक उसकी प्रॉपर्टी है। तो चलिए ये भी आसान था, आगे बढ़ते हैं। केयरफुल इज़ टू कॉशियस। अब देखिए, केयरफुल और कॉशियस सिमिलर मीनिंग वाले हैं, तो हमें बोस्टफुल का एक सिमिलर मीनिंग ढूंढना है, सिनोनिम देखना है या फिर पर्यायवाची देखना है। बोस्टफुल का तो क्या होगा, एरोगेंट होगा, हम्बल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जॉयफुल भी नहीं हो सकता, सस्पिशियस नहीं होगा। तो ये भी सिंपल था, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, पेन इज टू पोएट एज नीडल इज टू, पोएट का टूल है पेन, वैसे ही नीडल किसका टूल है, टेलर का। सीइंग बटन और थ्रेड इसका ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि एक पार्ट है सीइंग के, पर यहाँ पे हमें एक पर्सन की ज़रूरत है, जैसे कि पोएट है, वैसे ही इसमें ऑप्शन होगा टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक दूसरी तरह की वर्बल एनालॉजी है, अब इसका आंसर क्या होगा। अब आपको पता है कार्बन और डायमंड में क्या रिलेशन है, कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म है डायमंड, सबको पता है, ऐसे ही कोरेंडम का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या है, कोरेंडम का प्यूरेस्ट फॉर्म है रूबी, ऑप्शन फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा, ओटावा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, वैसे ही कंबोडिया की कैपिटल क्या होगी, नॉम पेन इसकी कैपिटल है, ये रिलेशन है कंट्री कैपिटल, तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, नॉम पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी पिछले वाले से मैच करता है, कंट्री कैपिटल की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, वैसे ही अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन, येरेवन अर्मेनिया की कैपिटल है। चलिए दोस्तों, तो ऐसे भी वर्बल एनालॉजीज आपके पास आ सकती हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आपको वर्बल एनालॉजीज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा एंड्रॉयड ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट के नाम से, उसे आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर प्रॉब्लम्स, परसेंटेज प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी, एज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सीरीज, कंपैरिजन, ब्लड रिलेशंस, मेंसुरेशन, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फॉर्मूलेज, ऐसे बहुत सारे सवालों के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक में अच्छी रेटिंग दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।